इन तीन प्रकार के जो तीन अपराध करते हैं, इस प्रकार का पाप एक ही है पर तीन जगह करें, तो उन लोगों की नरक से कभी मुक्ति नहीं होती। एक ही पाप तीन जगह पे करें, ध्यान से सुनिए, यह सब पे लागू है। इस प्रकार के पाप से बचना चाहिए मनुष्य को। जो मनुष्य इस प्रकार का पाप करता है उसे नरक से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। नरक का एक संविधान है, बहुत बहुत समय तक व्यक्ति अगर नरक में पड़ा रहे तो यमराज समय समय पर, जैसे नहीं जेल में भी कारागार मंत्री जाके और कारागार के जो ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करते ये व्यक्ति बहुत दिन से पड़ा है क्या किया जाए, तो स्पेशल कोई मीटिंग करके कोर्ट से निवेदन करके उनको मुक्त कर देते। द सेम थिंग इन नर्क, यही सेम नियम। वहाँ ऋषि हैं, ऋषिगणों को ये अधिकार है कि वो जब देखें कि कोई व्यक्ति का चाल चलन ठीक है, अब इसने बहुत झेल लिया है, तो उस व्यक्ति को ऋषि अगर चाहें तो क्षमा करके वहां से निकाल देते हैं। लेकिन बहुत समय के बाद जब यमराज देखते कि भाई इनकी सूची निकालो, क्या हाल है, इनका स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, कितने समय हो गया पड़े पड़े, थोड़ा देखो, उसके बाद वो फिर फाइल जाती है ऋषियों के आगे। वहाँ ऋषि जज हैं, उसके आखिरी जज, जैसे कहते हैं ना यहाँ पे जब मृत्युदंड किसी को दिया जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो ऋषि चाहें तो फिर ये अनुनय विनय उनकी अगर हो जाए तो ऋषि उनको निकाल सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है। पर एक पाप करने वाला मनुष्य जो एक पाप है और कई जगह पे कर देता है वो है चरण का प्रहार। हमें किसी से भी चरण का प्रहार, कृषि से मीन्स, एक बार सभी देवताओं ने कहा कि देव अग्निदेव से, अग्निदेव आप बहुत धर्म के मर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो, आप बताइए संसार में बहुत बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है। तो अग्निदेव कहते हैं संसार में सबसे बड़ा पाप है अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर मनुष्य गौ से चरण लगा दे, गौ माता से चरण छुआ दे और अग्नि से चरण छुआ दे और ब्राह्मण से चरण छुआ दे, यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। इनको चरण का प्रहार कभी नहीं करना चाहिए, छुआना ही नहीं चाहिए, छूते ही पाप लगता है। अग्नि पवित्र है, ब्राह्मण पवित्र है, गौ मां पवित्र है और इन सब में भगवान का अंश है। इनको चरण छुआने का मतलब है कि आपने, अब ये व्यक्ति जो चरण छुआ देता है, अब सोचिए नरक में कितने दिन रहता होगा, बोलो कल्पना करो, मालूम नहीं। 14 इंद्रों की आयु समाप्ति तक, 14 इंद्रों की समाप्ति तक वो व्यक्ति नरक में पड़ा रहता है। कौन? जो ब्राह्मण से, गौ से और अग्नि से चरण छुआता है 14 इंद्रों की आयु तक। उसके बाद यमराज उसे वहां से लाते हैं, फाइल देखते कि भाई कितना दिन हो गया इसको पड़े पड़े, बहुत हो गया क्या, कितना समय क्या है, तब उसकी फाइल को ऋषि मुनियों तक पहुंचाते हैं कि महाराज ये 14 इंद्रों की आयु समाप्त हो गई है, इसका कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा, कुछ कीजिए। तब ऐसे पापी को ऋषि मुनि भी माफी देने से, क्षमा करने से मना कर देता है, किसे पड़ा रहने दो, मतलब वो नरक से कभी मुक्त नहीं होता, वो नरक में ही पड़ा रहता है। कौन व्यक्ति? जो गौ पर, अग्नि पर, ब्राह्मण पर, अग्नि का चरण का प्रहार करते हैं वो कभी नरक से मुक्त नहीं होते।
इसलिए हमारे यहां तो ये भी नियम बनाया गया है कि माँ बाप को हमारे चरणों की धमक न सुनाई पड़े, गुरु जी को हमारे चरण की धमक सुनाई न पड़े, भगवान को हमारे चरणों की धमक सुनाई न पड़े, ऐसे चलना चाहिए भगवान के मंदिर में या माँ बाप के आगे। और आजकल तो ऐसे चलते हैं जैसे चलत दसानन डोलता बनी, धम्मक 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 ऐसे पहुँचते। इसलिए संत महात्मा लोग अपने गुरु जी के रहते हुए खड़ामू नहीं पहनते, खड़ामू नहीं पहनते वो, क्यों? अगर खड़ामू पहनेंगे तो हमारे चरणों की आवाज हमारे गुरुदेव के कानों में पड़ जाएगी, इसलिए नहीं पहनते। आप सबसे हमारा आग्रह, धर्म वही है जिसे शास्त्र कहते हैं, धर्म वो नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से स्वीकार कर ले। आप शास्त्रों के बताए हुए नियमों का पालन अपने और आप भी कीजिए, बच सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अग्नि से पैर छुआना खेल ही खेल में लगा देते लोग, मत लगाओ सर्दी के दिनों में। कहीं नहीं देखे आपने सर्दी के समय अग्नि के ऊपर अपना पैर घुमाते, घुमाते कि नहीं घुमाते बताओ? अब अगर आज आपको ज्ञान हो गया कल से घुमा पाओगे, हिम्मत जुटा पाओगे? जब पता है कि नरक से मुक्ति होगी नहीं, अब जुटाओ कहां से हिम्मत लाओगे बोलो, बच के दिखा दो तुम, कर ही नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया। जब तुम्हें पता चल गया तो तुम नहीं करोगे, अब पता नहीं है इसलिए कर रहे हैं, तो नहीं पता है तो कर रहे तो कुछ माफ कर देंगे, वो नहीं करेंगे। इससे बढ़िया क्या है, पता नहीं ये बढ़िया है कि पता करो ये बढ़िया है? जोर से बोलो, पता करो ये बढ़िया है, इसलिए पता करो। पता कहां करोगे? स्कूलों में तो ये ज्ञान मिलना नहीं, कॉलेजों में तो ये ज्ञान मिलना नहीं, यूनिवर्सिटीज में ये ज्ञान मिलना नहीं। तो भागवत कथा रूपी इस यूनिवर्सिटी में ही हमें दाखिला ले लेना चाहिए, हर दिन हर बार हर दिन कथा सुनना है। मैं फिर कहूंगा अपने सभी महानुभावों से, युवाओं से, प्रभु प्रेमियों से, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ जिससे हमारे लोगों में जानकारी हो। बुरे कर्म से तो बचे ही, साथ में अपना और अपने परिवार का कल्याण भी कर सके, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धीरे बजाओ, तुम धर्म की रक्षा कब कर सकोगे? जब तुम धर्म को जानोगे, मानोगे, पहचानोगे, तब तुम धर्म की रक्षा करोगे। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम धर्म की रक्षा कैसे करोगे? इसलिए ये बात हमने आपको अग्निदेव के हवाले से कही है, स्वयं अग्निदेव भगवान कहते हैं इस बात को। तो हमें इन सब चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा। तो कौन व्यक्ति नरक से कभी मुक्त नहीं होते? अग्नि, गौ और ब्राह्मण को जो पैर लगाते हैं वो कभी नरक से मुक्त नहीं होते। एक और बात बताएं, एक जगह हमने पढ़ा था जो सबसे छोटे कपड़े पहनकर हम लोग स्नान करते हैं उन वस्त्रों से भी पैर नहीं लगाना चाहिए कभी। जिस आसन पे बैठ के भजन करते हैं उस आसन पे भी हमें कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे आसन को पैर से खींचते, उनकी हैबिट होती है, आदत होती है उनकी, बैठ गए वाह डाल दिया आसन, अच्छा वो सेट नहीं बैठा फिर पैर से खींचेंगे। जिस आसन पर बैठकर आप भजन कर रहे हैं उससे आप पैर से कैसे खींच सकते? उस आसन को कभी पैर से मत खींचो जिस आसन पर बैठकर आपको भजन करना है। द्वितीय, जो सबसे छोटे वस्त्र होते हैं जिन्हें पहनकर हम स्नान करते हैं, आप देखते होंगे ऑलमोस्ट सब लोग उसको अपने पैर से ही उठाते हैं, झुकते तो है नहीं पैर से, कभी इधर खींच फेंक दिया, कभी कोई आएगा धोने वाला, घर में कई लोग ऐसे होते हैं वो नहीं अपने अपने छोटे वस्त्र भी नहीं धोते तो वो फेंक देते हैं, ऐसे ही पैरों से ही फेंकते, हाथ से नहीं पैर से। पहली शर्त तो यह है, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी अपने छोटे वस्त्र किसी से धुलवाने नहीं चाहिए, पति को पत्नी से भी नहीं धुलवाने। कई पति तो शान समझते हैं इस बात में,
वहीं छोड़ के चले आएंगे, ना लिया हमारा काम हो गया, बाकी काम पत्नी करेगी, ना ही तुम ही करो। छोटे वस्त्र किसी से भी धुलवाने नहीं चाहिए। मैं छोटे वस्त्र कह के चल रहा हूं, आप समझदार हैं, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कोई हीरो नहीं हूं जो मैं किसी ऐसी चीज का ऐड करूंगा, है ना, तो मैं तो कथावाचक हूं, इशारों में ही आपको समझना होगा। और मैं ध्यान रखता हूं कि थोड़ी शब्दावली का ध्यान रहे तो ज्यादा अच्छा है, आपकी मर्यादा बनी रहे। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, शब्द तो सब समझते ही हैं, पर शब्दों की मर्यादा बनी रहे, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। कहां थे हम? अधिकांश आपने देखा है कि नहाने के बाद हम लोग अपना छोटा बस छोड़ देते हैं, कोई बच्चे भी छोड़ देते हैं, मां धो देगी, पत्नी छोड़ देती है, बोले हमारे पति छोड़ देते कि हमारा पत्नी धो देगा, वो ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अपना छोटा वस्त्र जिसे पहनकर आप नहा रहे हो वो आप ही को धोना चाहिए, और उस वस्त्र को धोते समय निचोड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए उसका पानी आपके पैरों में न पड़े। ये कौन सी नई मुसीबत है महाराज? यही मुसीबत है, उसका पानी आपके पैरों पर छींट नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कोई भी उसे निचोड़े। अगर उसकी बूंद आपके पैरों पे पड़ गई तो अच्छा। हाँ, एक और बात बता दे, जैसे ही आप आसन को अथवा छोटे उस वस्त्र को अपने पैर से खींचते उसी समय आपका पुण्य नष्ट हो जाते सारे, तब तक के किए सब पुण्य नष्ट। नाउ यू से, ना यू थिंक, हटा पाओगे? वो जानकारी हो गई तो कभी पैर से छोड़ो, हाथ से भी कांप कांप के उठाओगे, क्योंकि जानकारी हो गई आपको, इससे पहले जानकारी नहीं थी। गुरु के अधोह वस्त्र को, पिता के अधोह वस्त्र को बेटा अगर धोता है, हालांकि गुरु जी को भी और पिताजी को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हम तो अपने जीवन में यही करते हैं कि अपना छोटा वस्त्र खुद ही धो धा के निचोड़ के रखते हैं, बाद में कोई साबुन लगाए क्या लगाए वो बाद की बात, यही सबको करना भी चाहिए। अगर पति चाहता है कि ये सब साबुन सुबुन हम पे नहीं लगेगा, मोटा पेटा हो रहा है, तो कम से कम जल डाल के उसे निचोड़ के वहां रख के आओ, जिससे बाकी का काम साबुन लगाने वाले करें। लेकिन जिसने पैर से अगर उसको भी उठाया है तो भी नष्ट पुण्य। अब आप कहेंगे कैसे? आप आश्चर्य करेंगे, जिन्होंने पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया हो उन्हें याद आएगी एक बात, जब आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो ब्राह्मण देवता एक छोर में तिल बंधवाते हैं, काले तिल, और काले तिल बंधवा कर उसे जल में डुबवाते हैं और फिर उसे निचुड़वाते हैं, हाँ या ना? अब जिन्होंने नहीं किया उन्हें नहीं पता, हम तो अभी गया में करके आए, हमें तो पता है। वो निचुड़वाते हैं, और वो क्यों निचुड़वाते हैं? बोली वो जल पितरों को प्राप्त होता है, ये रास्ते बना रखे ना, जैसे अग्नि भोग लगाएगा तो भगवान को मिल जाएगा, वैसे ऐसे जल निचोड़ोगे तो कौआ अगर खाएगा तो पितरों को मिल जाएगा। मार्ग है ना, द्वार है भगवान का द्वारा निर्धारित किया हुआ, कौन से द्वार से किसको भोजन मिलेगा, कौन से द्वार से किसको जल मिलेगा, ये भगवान ने डिसाइड किया, मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसे निचोड़ते हैं जल को, वस्त्र को, तो वो जल जो है मिलता है पितरों को। इसलिए विशेष ध्यान रखे छोटे वस्त्र को निचोड़ते समय, अधोह वस्त्र को निचोड़ते समय, कि हम निचोड़ें लेकिन हमारे पैरों पे पानी ना गिरे।